इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नक्शे कदम पर। सुप्रीम कोर्ट से वजाहतों के बाद गुड टू सी यू की गूंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। आईजी साहब गुड टू सी यू, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया। इस मुकालमे पर कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद के कह कहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर गुड टू सी यू कहा तो उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी। जी आज फवाद चौधरी की हिफाजत जमानत से मुतल्लिक केस था और एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की भी दायर की गई थी फवाद चौधरी के भाई की जानिब से। ये उनकी समाअत हो रही थी कि आईजी इस्लामाबाद जब कमरा अदालत में पेश हुए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से ये अल्फाज कहे गए गुड टू सी यू। चूँकि अब ये अल्फाज काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुके हैं, जब इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें गुड टू सी यू कहा गया था और फिर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा, तो सूरत हाल सबको मालूम थी। इसलिए जैसे ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने गुड टू सी यू के अल्फाज कहे तो कमरा अदालत में मौजूद अफराद की जानिब से जो है वो मुस्कुराहटें बखेरी गईं और फिर जो आईजी हैं उनकी जानिब से भी मुस्कुरा के जवाब दिया गया। हुआ कुछ यूं कि आज एडवोकेट जनरल जो कि खुद वफाक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं कमरा अदालत में, उनकी कुछ तलख कलामी भी हो गई आईजी साहब से और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं आईजी की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, कुछ मामलात पर जो है वो मुझे तहफ़ुज़ात हैं। इस पर अदालत ने अब समाअत में वक्फा किया है और एडवोकेट जनरल और आईजी इस्लामाबाद को आपस में बैठ के मुशावरत करके जो मुतफिका जवाब है वो अदालत के सामने रखने का कहा है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी पेशी मुतवक्के थी लेकिन कुछ ही देर पहले उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें उनकी हाजिरी से इस्तिसना की दरख्वास्त दायर इस्तदा की गई है और ग्राउंड्स ये लिए गए हैं कि चूँकि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पीडीएम का एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ है तो इसलिए इमरान खान की आज हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कोई अमन व अमान की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है और अगर पीटीआई के कारकुनान भी बड़ी तादाद में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए तो ये अमन व अमान लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है, इसलिए इमरान खान को आज हाजिरी से इस्तिसना दिया जाए। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान मुतलका अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं और वहाँ से अपनी जमानतें सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो लाहौर की भी मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए हैं और मजीद अदालतों में भी उन्हें जाना है तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिसना दी जाए। बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इमरान खान की जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी जमानत का केस है, बुनियादी तौर पर जब पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हक में रैलियाँ निकाली गई थी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।